डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग सीबीएसई बोर्ड का फ्रूट प्रिंट्स विदाउट फीट का पहला चैप्टर अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, जिसको जेम्स हैरियट ने लिखा है, उसका आज हम लोग थर्ड पार्ट कवर करने वाले हैं। तो जो मित्रगण पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो जाकर के पहला पार्ट और दूसरा पार्ट इस चैप्टर का देख लें, तब जाके इस तीसरे पार्ट को देखें ताकि कहानी समझ में आए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लेट नहीं करते हैं और पहचानते हैं और जानते हैं एक कहानी में क्या होने वाला है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड अराउंड मी। सर्जरी सर्जरी कहने का मतलब यहां पे हॉस्पिटल है, राइट? तो जैसे ही सर्जरी पे, यहाँ मी मतलब हैरियट, मिस्टर जेम्स हैरियट, तो जैसे ही वेटनरी डॉक्टर जेम्स हैरियट हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे जितने हाउस होल्ड डॉग्स थे, मतलब घर में जो रह रहे कुत्ते थे, सब उनके चारों तरफ आ गए। ट्विकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड वेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कार्पेट। ट्विकी क्या करता है, ट्विकी भी साथ में था, तो ट्विकी ने उन सारे नॉइजी पैक, मतलब नॉइजी पैक कहने का मतलब, नॉइजी पैक का यहाँ पे मीनिंग ये हुआ कि वो जो कुत्ते हैं, जो चिल्लाने वाले शोर करने वाले कुत्ते, उनकी तरफ ये ट्विकी देखा और डल आँखों से देखा, आँखों में नम थी, दैट मीन्स बहुत मुरझाया हुआ आँख था, ऐसे समझो आप, है ना? और फिर उसके बाद वो फिर ऐसे मानो जैसे वो उसके अंदर जान ना हो, है ना, वो कारपेट पे लेट गया, मतलब शरीर में कोई एनर्जी ना हो, ऐसे वो लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और जो दूसरे कुत्ते थे, वो लोग थोड़ा छींक मारते हैं, छींक मारने के बाद कुछ समय तक उसको देखते हैं, और फिर उन लोगों ने डिसाइड किया, वो जो कुत्ते थे उन लोगों ने सोचा कि शायद ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा उन लोगों को, इसलिए वे लोग क्या करते हैं, इग्नोर करके चले जाते हैं, किसको, ट्रिकी को। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वॉर्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। और यहाँ पे नरेटर जो है मिस्टर हैरिट, वो ट्रिकी के लिए एक छोटा सा खाली बक्सा है, वहाँ उसके सोने का एक गद्दा बिछा देता है, मतलब सोने के लिए, वहीं पे जहाँ पे अदर कुत्ते भी सोते हैं, मतलब दूसरे कुत्ते भी सोते हैं। फॉर 2 डेज आई केप्ट एन आई ऑन हिम। और करीबन 2 दिन तक मिस्टर हैरियट ध्यान से देखते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। 2 दिनों तक क्या करते हैं वो, उनको खाना बिल्कुल नहीं देते हैं, केवल पानी देते हैं, प्रचुर पानी देते हैं, प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी देते हैं ट्रिकी को पीने के लिए, बट खाना बिल्कुल नहीं देते हैं। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स। और दूसरे दिन, मतलब दूसरे दिन के अंत में क्या होता है, ट्रिकी जो है वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगता है अपने चारों तरफ, जो अपने चारों तरफ जो कुछ भी होता है उसके लिए वो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाने लगता है, मतलब उसके अंदर थोड़ा एनर्जी आ जाता है। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। और तीसरे दिन क्या करता है, तीसरे दिन वो रू रू, मतलब कहने का मतलब थोड़ा सा चिल्लाने लगता है, चिल्लाने कहने का मतलब थोड़ा सा टैं टैं करके आवाज़ होता है ना, अपने मन में आवाज़ निकालता है ना? तो जैसे वो दूसरे कुत्तों को देखता है या सुनता है उसके करीब में आया हुआ है, तो वो भी थोड़ा आवाज़ करके सुनाता है, दैट मीन्स अब ये ट्रिकी के अंदर थोड़ा जान आया है, कहने का मतलब अब ट्रिकी ट्रिकी थोड़ा फुर्तीला हो रहा है। ठीक है, व्हेन आई ओपन द डोर, जैसे ही जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमिडिएटली इनकल्फ्ड बाई जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। यहाँ नरेटर कहते हैं कि जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, तो त्रिकी जो है वो लड़खड़ाते हुए बाहर आया, और जैसे ही वो बाहर आया, उसी समय तुरंत एक जो ग्रे हाउंड है, मतलब झबड़ा कुत्ता है ना, जिसका नाम जो है, वो आकर के इसको घेर लेता है।
और उसके दोस्त भी आ जाते हैं, दैट मीन्स ये जो झबड़ा कुत्ता है ग्रे जो, जो का जितना भी दोस्त है कुत्तों में वो सब आ जाता है और ट्रिकी को घेरने लगता है। मतलब ट्रिकी को मतलब क्या कह सकते हैं, मानो जैसे निगल लेगा ऐसे मानो रिएक्ट करता है, जैसे उसको उसके ऊपर आक्रमण करेगा ऐसा लगता है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। और जो कुत्ते आते हैं, जैसे जो आया और उसको थोड़ा परीक्षण किया, देखा, जांचने के बाद सोचा कि चलो ये बेकार का चीज़ है, फिर ये क्या करता है, खुद ये सरक के निकल जाता है। दैट मीन्स वहाँ से इंस्पेक्ट करने के बाद, जांच करने के बाद जो ग्रे हाउंड है वो वहाँ से चला जाता है गार्डन की तरफ। ट्रिकी फॉलोड देम, तो ट्रिकी भी क्या करता है, उन लोगों को फॉलो करता है, उसके पीछे पीछे गार्डन की तरफ जाने लगा। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। अब ये क्या होता है, ये भी बेचारा क्या है ना, अपने आप को खींच करके ले जाता है, बहुत ज़्यादा फैट है उसके शरीर में, है ना, तो अपने आप को खींच करके गार्डन की तरफ ले जाता है। दोस्तों मैं आपसे आग्रह करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिए, और अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, ठीक है। पहले तो इसको पूरा देख लेते हैं क्या है ना। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। दूसरे ही दिन नरेटर जो था खाना खिलाने के टाइम में वो उपस्थित था वहाँ पे। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल्स। खाना खिलाने के टाइम में वो नरेटर वहाँ पे मौजूद था कि उस समय जब त्रिस्तान ने कटोरे में खाने को स्लॉप किया, इसमें डाल दिया, तो क्या होता है, देर वॉज द यूजुअल हेडलॉग रस फॉलोड बाई द साउंड्स ऑफ हाई पिच्ड इटिंग। जब खाना डाल दिया जाता है बाउल्स में तो अक्सर ये देखा जाता है कि सब लोग बड़ी तेजी से, है ना, जितने भी कुत्ते हैं वो कटोरे की तरफ आते हैं और जोर जोर से चाट चाट के खाने लगते हैं, इसका आवाज आता है। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। कहने का मतलब सारे कुत्तों को ये बात पता था, दैट मीन्स एवरी डॉग न्यू, सारे कुत्ते ये बात जानते थे कि अगर वो लोग खाने में पीछे पीछे हो गए तो भाई उनको बाद में कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, मतलब अपने अपने हिस्से को खाने खाने के लिए उनको कंपटीशन करना पड़ेगा, राइट। तो ये यहाँ तक दोस्तों, और मैं इसके बाद भी और बता रहा हूँ। वेन दे हैड फिनिश्ड ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग वॉल्स। जब ये लोग खाना खा लेते हैं, जैसे जितने भी कुत्ते हैं वो सब खाना खा लेते हैं, तो लास्ट में ट्रिकी क्या करता है, वो वहाँ पे जाता है शाइनिंग बाउल्स के पास, मतलब चमकता हुआ जो कटोरा होता है उसके पास जाता है, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। और पता है वो सारे जितने भी वहाँ पे कटोरे रखे हुए होते हैं उसको एक दो बार वो चाटता है, राइट। मतलब उसको उस दिन खाना बिल्कुल नहीं मिला, ट्रिकी को उस दिन भोजन बिल्कुल नहीं मिला। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। दूसरे दिन क्या होता है, एक एक्स्ट्रा कटोरा जो है उसके खाने के लिए वहाँ पे रख दिया जाता है। नरेटर यहाँ पे देख करके उसे बहुत खुश होता है, क्यों, क्योंकि ट्रिकी वहाँ थोड़ा आगे अपने मतलब चलने चलना शुरू कर दिया है ना। जॉस्लिंग मीन्स क्या होता है, जॉस्लिंग मीन्स होता है मतलब अपने को खींच कर आगे ले जाना, अपने को खींच कर आगे ले जाना, मतलब एक तो उसका मोटा शरीर है, उस मोटे शरीर को क्या करता है, खींच करके आगे ले जाता है, मीन्स उसके शरीर में हरकत होता है, तो इस हरकत को देख करके यहाँ नरेटर बहुत खुश होता है, राइट। नरेटर मीन्स मिस्टर जेम्स हैरिट। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। और उसके बाद से ट्रिगी का जो प्रोग्रेस है ना स्वास्थ्य में वो तेजी पकड़ लेता है। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट। ट्रिकी को कोई दवा का ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, औषधि नहीं दिया जा रहा है, मतलब मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रेन अबाउट विद द डॉग्स। केवल वो दिन भर दौड़ता रहता है कुत्तों के साथ,
ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। करता क्या है वो, उन लोगों के साथ चिल्लाता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर मतलब अटैक करता है, चीखता है, चिल्लाता है, ऐसा ही वो उसका दिन भर का दिनचर्या रहता है। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बींग बाउल्ड ओवर। उसको बड़ा मजा आता है जब उसके ऊपर कोई कटोरा फेंक देता है ना, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्विज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और कुछ कुछ मिनट्स पे उसको कोई ना कोई कुत्ता आके कुचल के चला जाता है ना। तो उसको अब इंजॉय, अब ये चीज़ वो इंजॉय करने लगा है, उसको अब बड़ा मस्ती लगने लगा है ये काम। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेम्बर ऑफ द गैंग। और वो क्या है ना, झबड़े कुत्तों के बीच में एक, झबड़े कुत्तों का जो गैंग है उसमें का एक मेम्बर बन जाता है। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्रू। एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट मतलब ये कुत्ता जो है ना थोड़ा बिलायती कुत्ता है, ठीक है। बाकी जो कुत्ते हैं सैगी क्रू है, मतलब वो झबड़ा कुत्ता है, ठीक है। तो झबड़ा कुत्ता में ये बिलायती कुत्ता जो है मतलब मिल जाता है और मतलब फ्रेंडली सबके साथ रहता है। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर इट्स शेयर एट मील टाइम्स। पता है टाइगर की तरह लड़ता है जब उसे खाना खाने का टाइम आता है, मतलब अपने पार्ट का जो शेयर है, मतलब अपने शेयर का जो भोजन है उसको खाने के लिए उसको टाइगर की तरह लड़ना पड़ता है। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैंड हाउस एट नाइट। और रात में क्या करता है, चूहों का शिकार करता है। राइट, ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। ऐसा टाइम उसने कभी भी अपने लाइफ में नहीं बिताया था। कौन? ट्रिकी। ऐसा लाइफ कभी भी अपने लाइफ में नहीं बिताया था। बड़ा मजेदार लाइफ अभी इसका बीत रहा है। क्यों? क्योंकि अभी ये दूसरे कुत्तों के साथ घुल मिल गया है, उनके साथ झगड़ा करता है, लड़ता है अपने फूड को खाने के लिए, है ना, टाइगर की तरह लड़ता है। मतलब बड़ा मजेदार समय अभी इसका बीत रहा है, थोड़ा सा एडवेंचरस भी है। राइट, आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बार और आग्रह करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा, लाइक्स भी करिएगा, ठीक है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बड़ा आनंद आएगा, आप पढ़िएगा, इसे समझ में आएगा और आपको बड़ा हेल्प होगा तब जब आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है आपको, ठीक है। देखिए लास्ट पार्ट अभी हम लोग पढ़ते हैं, इसका लास्ट पार्ट नहीं, ये पैराग्राफ पढ़ते हैं। All the while, Mrs. Pamfrey hovered anxiously in the background. Okay. अब क्या होता है कि Mrs. Pamfrey जो है ना वो मडराती रहती हैं। Hovered means मडराना, है ना, आसपास में होना। चिंतित रूप से वो आसपास में मडराती रहती है। कहाँ पे? सर्जरी के बैकग्राउंड, मतलब सर्जरी के आसपास में वो घूमते रहती है पता लगाने के लिए कि उसका ट्रिकी कैसा है। रिंगिंग अ डोजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। वो करीबन दिन भर में 12 बार, है ना, कॉल लगाती है पता करने के लिए कि ट्रिकी का स्वास्थ्य कैसा है। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुजन्स वर बींग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर। और पता है जब कॉल आता है मिसेस पैम्फ्रे का मिस्टर हैरियट के पास, तो मिसेस पैम्फ्रे जो है ना क्वेश्चन का पहाड़ खड़ा कर देती है और पूछने लगती है कि ट्रिकी का जो गद्दा है वो डेली चेंज होता है कि नहीं, मौसम के अनुकूल उसको उसके कोट को पहनाया जाता है कि नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली, यू नो। लेकिन ये ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं, बस इतना ही कहते हैं कि ये जो छोटा लिटिल फेलो है, मतलब लिटिल ट्रिकी जो है, वो अब खतरे से बाहर है और उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन हो रहा है, उसका स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, तेजी से ठीक हो रहा है। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पैम्फ्रे। और जब मिसेस पैम्फ्रे को ये बात पता चलता है कि उसका ट्रिकी का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, तो मिसेस पैम्फ्रे क्या करती है, सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। और वो स्टार्ट कर देती है बहुत सुंदर, मतलब ताज़ा ताज़ा अंडा जो है भेजने लगती है, 2 dozen एट अ टाइम, एक बार में 2 दर्जन अंडे एक ही बार में भेजती है, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, मतलब ट्रिकी के अंदर पावर आ जाए इसलिए वह एक बार में ही 2 दर्जन अंडे भेज देती हैं।
For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast. तो अब ये तो अंडा आता है ट्रिकी के लिए, लेकिन यहाँ पे नरेटर क्या करते हैं, उस अंडे को अपने लिए यूज करने लगते हैं ब्रेकफास्ट में. अपने लिए कहने का मतलब खुद के लिए और अपनी पत्नी के लिए. बट वेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, लेकिन जब मतलब बोटल्स ऑफ वाइन मतलब वाइन का बोटल्स जब आने लगा, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डैम ऑन द हाउस होल्ड. अब तो और मजा आने लगा क्योंकि अब तो बोटल्स ऑफ वाइन भी आने लगा. पहले अंडा आता था, अब बोटल्स ऑफ वाइन आने लगा. और भी मजेदार समय बीतने लगे. इट वॉज टू इनरिच टू किस ब्लड, कहने का मतलब बोटल्स ऑफ वाइन इसलिए आ रहा था ताकि ट्रिकी का जो ब्लड है वो बढ़े. यहाँ तो ट्रिकी का ब्लड बाद में बढ़ेगा, पहले तो मिस्टर हैरियट का ब्लड बढ़ना शुरू हो गया. क्यों भाई? क्योंकि बोटल्स ऑफ वाइन आ रहा था. पहले तो अंडा खाए, फिर अब बोटल्स ऑफ वाइन आने लगा तो उसका आप इंजॉय करने लगे. लंच बिकम अ सेरिमोनियल ओकेजन, अब जो है ना उनके घर में जो लंच होता था ऐसा मान लो कि जैसे एक उत्सव का ओकेजन हो गया उनके घर पे. विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, पता है लंच के टाइम में तो उनका माहौल बहुत ही पार्टी होने लगा. अब उनके घर में पार्टी कैसे होने लगा भाई, अंडा से तो नाश्ता स्टार्ट होता था और बोटल्स ऑफ वाइन से क्या होता था, पार्टी होता था. कैसे? जब वो लंच कर लेते थे तो 2 ढक्कन डाल के पी लेते थे, मतलब बोटल्स ऑफ वाइन मतलब वाइन पीते थे. तो एक तरह से उनके लिए तो बहुत बढ़िया मज़ेदार पल था, है ना. ट्रिकी के बहाने उनके घर पे महंगे महंगे सामान आने लगे, है ना, और ये इन सामानों को इंजॉय करने लगे थे. ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक. इसके बाद का पार्ट मैं तुरंत अपलोड करने वाला हूँ, तब तक आप इस पार्ट को इंजॉय करिए. और हाँ, एक बार मैं फिर आप लोगों को याद दिला दूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि